बने रहें। डियर स्टूडेंट्स, आवर टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फाइलम नाइडेरिया। बेटा हम क्या उसे किंगडम एनिमेलिया को डील कर रहे हैं। किंगडम एनिमेलिया में पहला जो ग्रुप है पोरीफेरा, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो आज क्या है वो नाइडेरिया। नाइडेरिया को हम स्टिंगिंग सेल्ट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वर्ड पे गौर करो, स्टिंगिंग सेल्ट ऑर्गेनिज्म मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच विल कंटेन सच सेल्स विच कैन स्टिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऐसे सेल्स होंगे जो क्या करेंगे, स्टिंग करते हैं। वो कैसे है, क्या सब है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हम इनकी जब जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, हम कहते हैं दे आर एंटायरली एक्वाटिक, मीन वो सालोली सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, एक्वाटिक एनवायरमेंट में है। फिर हम बात करते हैं मेनली मरीन, एक्वाटिक तो हैं, आया कि एक्वाटिक में मरीन एनवायरमेंट मौजूद है या फ्रेश वाटर एनवायरमेंट मौजूद है, हम कहते हैं मेनली ज्यादातर किसमें, मरीन एनवायरमेंट में मौजूद है। फिर हम कहते हैं फ्यू फाउंड इन फ्रेश वाटर, ऑल दो ज्यादातर किसके, मरीन वाटर। मरीन वाटर वो है जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, जो समुद्र वगैरह है। हाँ, हम कहते हैं चंद एक फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और इनकी जो मोस्ट स्पीशीज आर सेसाइल, इनकी ज्यादातर स्पीशीज क्या है, सेसाइल। सेसाइल मैं पहले बता चुका हूँ। बेटा देखो, इस चैप्टर के जो पहला एक दो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक दो लेक्चर में जितनी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना वो मैंने डिफाइन की हुई है। सो आपने, मैं बार बार डिफाइन नहीं करूंगा, आपने उन पहले एक दो लेक्चर्स को प्रॉपरली सुन लेना। हम कहते हैं मोस्ट स्पीशीज आर सेसाइल, सेसाइल मीन वी डू नॉट मूव। आगे उनकी एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल क्या, हाइड्रा, हाइड्रा वगैरह से मूव नहीं करता। फिर कहते हैं अदर्स आर फ्री लिविंग एंड मोटाइल। जब हम कह रहे हैं मोटाइल है, डेफिनेटली वो बेटा क्या होगा, फ्री लिविंग होगा। वो क्या होगा, फ्री लिविंग होगा। उसके एग्जाम्पल जेलीफिश वगैरह। सम आर कलोनियल, दे लिव इन द फॉर्म ऑफ कलोनी। अब बेटा जब आप कलोनी की बात करते हो ना, कलोनी से मुराद हमारा ये होता है जब एक ही स्पीशीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जब एक ही स्पीशीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे होंगे ना, उसे हम क्या नाम देते हैं, कलोनियल। दे लिव इन द फॉर्म ऑफ कलोनी। मैं दोबारा बोल देता हूँ, कहते हैं इनमें क्या होता है, कहते हैं सेसाइल भी है, एग्जाम्पल क्या, हाइड्रा। मैं कहता हूँ अदर्स आर फ्री लिविंग एंड मोटाइल, जब मोटाइल हैं तो फ्री लिविंग होंगे। देखो सम टाइम पता क्या होता है, बाज ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं और बाज ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट भी फ्री लिविंग होते हैं, अटैच होते हैं अपने होस्ट के साथ। खैर यहाँ पर मैं रहता हूँ, ये क्या सेसाइल है, सेसाइल के बाकी क्या जो है वो फ्री लिविंग है और मोटाइल है। एग्जाम्पल उसकी क्या, फिश है। देखो जब आपने उस बुक को रीड करोगे ना, आपने वहाँ पर रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है। वो एक स्टेटमेंट देगा, उसके बाद एग्जांपल देगा, फिर अगली स्टेटमेंट देगा, फिर एग्जांपल देगा। सो दो तीन चीज़ों को मिक्स नहीं करना। हाइड्रा एग्जांपल है सेसाइल की, जेलीफिश एग्जांपल है मोटाइल की या फ्री लिविंग की। और आप क्या कहते हो, सम आर कलोनियल, उनकी एग्जाम्पल क्या है, उबिलिया। उनकी एग्जाम्पल क्या है, उबिलिया। फिर बेटा हम बात करते हैं दे रेंज इन साइज, वो उनका साइज कहाँ से हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक अप टू 2 मीटर, माइक्रोस्कोप से लेकर 2 मीटर तक उनका साइज हो सकता है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक अप टू 2 मीटर, 2 मीटर तक हो सकता है। रेडियल सिमेट्री, बेटा जब सिमेट्री की बात करते, मैंने कह दिया था ऑर्गेनिजम्स की बात करो कि 2 टाइप हैं, एक है एसिमेट्रिकल, दूसरे क्या है, सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक सिमेट्री, जिनमें कोई क्लियर कट प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। और सिमेट्रिकल मैंने कहा जिनकी स्पेसिफिक बॉडी शेप है, सिमेट्री है। और सिमेट्री मैंने कह दिया, 2 बातें बोली, एक मैंने बोला था रेडियल सिमेट्री और दूसरा मैंने बोला था बायलेटरल सिमेट्री। जब मैंने रेडियल सिमेट्री की बात की थी, हमने कहा था इसका एक सेंट्रल एक्सेस होता है और उसके जितने बॉडी ऑर्गन, जितने बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेंट्रल के एक्सेस के इर्द गिर्द क्या उसे कहते हैं, मौजूद होते हैं। और अगर हम एक इस केस में पता क्या, एक से ज्यादा एंगल में कट करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जब आप बायलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट से कट करके उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसमें अप्रॉक्सिमेटली राइट साइड और लेफ्ट साइड रफली इक्विवेलेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये तो मैं बता रहा था रेडियल सिमेट्री को और बायलेटरल सिमेट्री को, लेकिन इस केस में हम क्या कहते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री है। फिर बेटा हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक विद मेसोक्लिया। मैंने ये भी कह दिया था, हमने कहा था जो जर्म लेयर्स बनती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस, उस लिहाज से भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। बेटा जब मैंने डिप्लोब्लास्टिक की बात की थी, मैंने कहा 2 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और जब हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर 3 है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब जो डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स मैं बोल रहा हूँ, एक क्या उसे कहते हैं एक्टोडर्म है, दूसरी क्या है एंडोडर्म है। उन दोनों के दरमियान क्या उसे कहते हैं, एक जेली लाइक मटीरियल है, वो क्या है, मेसोग्लिया। यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो जेली लाइक मटीरियल है
उसका नाम क्या है? मिजागलिया। यह मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, मिजागलिया का दूसरा नाम क्या है? वो आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। व्हाट इज अदर नेम ऑफ द मिजागलिया, मिजागलिया का दूसरा नाम क्या? और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मैंने कहा था डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जब आप ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करोगे, आप तीन लेयर्स की बात करोगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। दोबारा बोल रहा हूँ, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। हम एग्जाम्पल हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, हम एग्जाम्पल हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और मैंने ये बोला था, क्या उसे कहते हैं ह्यूमन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जब अडल्ट फॉर्म में या मैच्योर फॉर्म में, ये तीनों लेयर डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म में तीनों अलग अलग नहीं होती, बट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्गन ऑफ स्ट्रक्चर्स दे फॉर्म। मीन वो उस फॉर्म में होती हैं कि उन्होंने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने ह्यूमन बॉडी में बताना है कि कौन से ऑर्गन या कौन से स्ट्रक्चर्स एक्टोडर्म से बनते हैं, कौन से ऑर्गन या कौन से स्ट्रक्चर मीजोडर्म से बनते हैं, और कौन से ऑर्गन या कौन से स्ट्रक्चर वो क्या एंडोडर्म से बनते हैं। दोनों क्वेश्चन मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये क्या हो सकता है, आपने आंसर इसका मेंशन करना उधर कमेंट बॉक्स में। पहला ये है कि जो डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो मिजागलिया, मिजागलिया का दूसरा नाम क्या है। दूसरा मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अवजारी बात है, जब हम डेवलप्ड फॉर्म में, मैच्योर फॉर्म में, हमारे अंदर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों अलग अलग फॉर्म में नहीं है। दे हैव फॉर्मड देयर रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स बना दिए। हाँ, हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तो थे, लेकिन जब हम मैच्योर हो गए तब ये ऐसे नहीं है। तो मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में क्या उसे कहते हैं एक्टोडर्म से बना है, कौन सा स्ट्रक्चर मीजोडर्म से बना है, और कौन सा स्ट्रक्चर एंडोडर्म से है। ये आपने उन दोनों क्वेश्चन को एड्रेस करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम कहते हैं इनके अंदर सैक लाइक इंटरनल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, बेटा इनके अंदर एक ही कैविटी है। और याद रखना, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैविटी, वन इज अ सैक लाइक, अदर इज अ ट्यूब लाइक। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे दो हैं, एक है सैक लाइक, दूसरा है ट्यूब लाइक। जो आप सैक लाइक बात करते हो ना, सैक लाइक हम कहते हैं सच अ कैविटी विच हैज ऑनली वन ओपनिंग, जिसमें एक ही ओपनिंग है। सैक लाइक विच हैज ऑनली वन ओपनिंग, एक माउथ है, उसी के थ्रू फूड एंटर हो रही है, उसी के थ्रू वेस्ट मटीरियल निकल रहा है, वो है सैक लाइक। और ट्यूब लाइक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग है, एक माउथ है, दूसरा क्या एनस है। माउथ से फूड क्या उसमें फूड की एंट्री है, और एनस से क्या उसे कहते हैं एग्जिट ऑफ वेस्ट मटीरियल, एग्जिट ऑफ वेस्ट मटीरियल। फिर है बेटा प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स, इनमें क्या होते हैं टेंटिकल्स। याद करो जब हमने ये क्या कहते हैं फाइलम नाइडेरिया स्टार्ट किया था, वहां पे मैंने बोला था स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज्म, स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा था इसकी मैं रीजन बताऊंगा। हम कहते हैं इनके अंदर क्या होते हैं जो हाइड्रा वगैरह, उसके अंदर क्या होते हैं टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स स्पेसिफिक प्रोजेक्शन होती हैं विच सराउंड द माउथ, जो माउथ के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। और याद रखना दोस्त, टेंटिकल्स आर इक्विप्ड विद स्टिंगिंग सेल्स, उन टेंटिकल्स के ऊपर क्या होते हैं स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, उन्हें हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? नेमेटोसिस्ट, जिन्हें हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा अक्ताब होता है, मैं एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है स्टिंगिंग सेल की बात कर रहा हूं, ये नेमेटोसिस्ट है। अब इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम ट्रिगर कहते हैं। क्या नाम देते हैं? ट्रिगर। ये एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन बाहर की जानब निकली होती है, बाकी इसका जो स्टिंग या थ्रेड होता है वो अंदर कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होता है। नेमेटोसिस्ट, कॉइल्ड, थ्रेड। रेस्ट की हालत में जब इसे इनर्वेट नहीं किया गया, जब इसे प्रवोक नहीं किया हुआ, इसका जो थ्रेड है वो अंदर होता है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मूव करता करता आके इस थ्रेड को या ट्रिगर को टच होता है ना, जैसे इस ट्रिगर को टच करेगा विद इन सेकेंड क्या होगा, इसका यही जो थ्रेड है जो क्या उसे विच विल बिहेव एज क्या उसे कहते हैं स्टिंग, वो बाहर निकलेगा और ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा, स्टिंग कर देगा, और ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, मफलूसा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये उसके टेंटिकल्स की हेल्प से उस ऑर्गेनिज्म को ग्रैस्प करके अपने माउथ कैविटी के अंदर एंटर कर लेगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये नेमेटोसिस्ट है। नेमेटोसिस्ट का बेटा गौर करो, एक बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बिहेव एज ट्रिगर, विच बिहेव एज ट्रिगर, जिसका ये थ्रेड जो नजर आ रहा है आपको, ये है एक्टिवेटेड फॉर्म में, जब उसने अपना रिस्पांस या रिएक्शन शो कर दिया है। रिएक्शन शो करने से पहले ये क्या हो सकता है, अंदर कॉइल्ड फॉर्म में होगा। जैसे इस ट्रिगर को, ऑर्गेनिज्म को टच होगा, विद इन सेकंड्स ये थ्रेड बाहर निकलेगा, उसको स्टिंग करेगा। जैसे ही ऑर्गेनिज्म को स्टिंग करेगा, ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, वो जैसे मफलूसा होगा उधर गिर पड़ेगा। वो स्टिंग से हेल्प क्या, टेंटिकल्स की हेल्प से उसे ग्रैस्प करेगा, ग्रैस्प करके पकड़ के अपने माउथ कैविटी के अंदर एंटर कर लेगा, तो उसको बाद में डाइजेस्ट कर लेगा। फिर बेटा हम बात करते हैं
ये अभी इननेक्टेड फॉर्म में है, जब क्या उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म कभी किसी को टच नहीं किया, जैसे ही होगा ये इसे स्टिंग कर लेगा। इसी वजह से इन नोमेटोसिस्ट की वजह से इनको हम कहते हैं नाइडेरिया, ये स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जब आप बात करोगे रिप्रोडक्शन की, इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है दोनों है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो बडिंग है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो पुत्र हम कह देंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सीधी सी बात है, जब मैं कहता हूँ क्या उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट्स बन रहे हैं, और गैमेट्स बेटा मैं बता चुका हूँ क्या उसे कहते हैं स्पर्म और एग, स्पर्म और एग। यहाँ पे आज अब बैठे ना क्या उसे कहते हैं, हम डिस्कशन कर रहे थे बाहर टीचर्स वगैरह, क्यूम साहब ने एक बेसिक आप सबको पता है जो बेसिकल वाले को क्यूम साहब केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो सर बात कर रहे थे, मैं आप लोगों के यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ। क्यूम साहब ये कह रहे थे कि यार नेचर है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, हर एनिमल में क्या हो सकता है, जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होती है और फीमेल गिव बर्थ करती है, फीमेल ही प्रेग्नेंट होती है और फीमेल क्या करती है गिव बर्थ करती है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कौन सा ऐसा एनिमल है, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें मेल प्रेग्नेंट होता है और वो बच्चों को गिव बर्थ करता है। ये इस क्वेश्चन का आपने आंसर ढूंढ के कमेंट बॉक्स में क्या उसे कहते हैं आंसर करना है। दोबारा बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्यूम साहब का ये क्वेश्चन था मेरे से, मैंने जवाब तो खैर उनको दे दिया था मैं, लेकिन देखना चाहता हूँ आप लोगों को पता है या आप लोगों ने ये खुद सर्च करना है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या उसे कहते हैं फीमेल क्या प्रेग्नेंट होती है, फीमेल क्या गिव बर्थ करती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कौन सा ऐसे एनिमल है जिसमें मेल प्रेग्नेंट होता है और वो गिव बर्थ करता है, सो आपने इसका आंसर करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है, स्पर्म और एग बनेंगे, स्पर्म और एग बनेंगे फ्यूज करेंगे जायगोट बनेंगे और एग ऐसे। अच्छा अब यहाँ पे एक और स्टोरी है, हमने बात कर दी क्या उसे कहते हैं हाइड्रा वगैरह की बात कर दी, अब हम कहते हैं इन केस ऑफ क्लोनीज जो क्लोनी की फॉर्म में रहते हैं, जो क्लोनी की फॉर्म में रहते हैं ओबिलिया वगैरह, ओबिलिया उसके एग्जांपल है जो क्लोनी की फॉर्म में रहते हैं, उसके अंदर क्या उसके दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं या उनके जो टाइप्स होती है ना ऑर्गेनिज्म हम जुआइड्स कहते हैं, क्या नाम देते हैं जुआइड्स। जुआइड्स के दो टाइप्स हैं, एक पॉलीप है दूसरा मेड्यूसी है, एक पॉलीप है दूसरा क्या मेड्यूसी। अब पॉली फीडिंग जुआइड क्या फीडिंग जुआइड, ऐसा इंडिविजुअल ऐसा यूनिट बेसिक मैं यूनिट कहूंगा, द यूनिट ऑफ क्लोनी विच विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फीडिंग, जो फीडिंग का फिनोमेना परफॉर्म करेगा, और मेड्यूसी जो क्या करेगा रिप्रोडक्टिव जॉइंट मीन वो रिप्रोडक्शन करेगा। ये फर्ज कर लो फीडिंग पॉलीप है, ये टेंटिकल्स वगैरह हैं, टेंटिकल्स के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स होंगे, जैसे वो स्टिंग करेंगे वो पैरालाइज हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, उसको कैप्चर करके ये टेंटिकल से हेल्प से पकड़ के क्या उसे अंदर एंटर कर लेगा। ये इमर्जिंग मेड्यूसी मीन मेड्यूसा सिंगुलर है प्लूरल क्या है मेड्यूसी, ये एक स्ट्रक्चर है। देखो अब ये एक क्या उसे कहते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली इकट्ठे रह रहे हैं, मेड्यूसी है पॉलीप है डिफरेंट फॉर्म में होंगे और ये कटे दे लिव इन द फॉर्म ऑफ द क्लोनी, और एग्जांपल इसकी क्या है ओबिलिया, एग्जांपल इसकी क्या है ओबिलिया। अच्छा नेक्स्ट इनकी कुछ अडॉप्टेशंस हैं, अडॉप्टेशंस में हम बात करते हैं इनकी जो डाइजेशन है वो आप बात कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इनके लिए स्पेसिफिक सिस्टम्स वगैरह नहीं है वो डिफ्यूजन वगैरह के थ्रू। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरा, मैं कह रहा हूँ एक्सक्रीशन, देखो एक्सक्रीशन का जनरल वर्ड बोलोगे ना तो एक्सक्रीशन मुराद है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, और अगर मैं बायोलॉजिकली बोलना चाहूँ ना तो मैं कह दूंगा रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। फिर हम कहते हैं नो रेस्पिरेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम वगैरह, ये बेटा आपने जनरल सा रीड कर लेना। यहाँ पे एक वर्ड है कोरल रीफ्स, क्या कोरल रीफ्स, और उधर याद रखना जब हम कोरल रीफ्स की बात करते हैं मैं दो वर्ड्स बोलूंगा, एक होता है कोरल्स दूसरा होता है कोरल रीफ्स, एक होता है कोरल दूसरा क्या होता है कोरल रीफ्स, समझना। ये वाले ऑर्गेनिज्म पता क्या करते हैं, ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, एग्रीगेशन की फॉर्म में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं किस में एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। होता क्या है जब इकट्ठे रह रहे हैं पुराने वो मरते जाते हैं, जो नए हैं वो सारी बातें बनते जा रहे हैं, और जो मरते जाएंगे ना उनके वो एक ढेर सा लगता जाएगा, ढेर सा लगता जाएगा, सरफेस के ऊपर सिर्फ लिविंग होंगे नीचे डेड होंगे, ऐसे बनते बनते इनके छोटे से चट्टान टाइप बन जाते हैं, उन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं। एनिमल्स को हम कोरल्स कहेंगे, और क्या उसे कहते हैं जो उनके क्या उसे कहते हैं पूरा एक आइलैंड सा बन जाएगा, जो पूरे पहाड़ सा रॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसे हम कोरल रीफ्स कहते हैं। और जो कोरल रीफ्स हैं इसका कुछ फायदा वगैरह भी हैं, कोरल्स कोरल रीफ्स क्या कहते हैं जो साले समुद्र वगैरह उनके ओरिजिन वगैरह से क्या उसे कहते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये क्या उसे कहते हैं ये नाइडेरिया कुछ मेंबर ज्यूलरी वगैरह या डिफरेंट एक्वेरिया वगैरह में भी क्या उसे कहते हैं यूज होते हैं। ये जनरल से इसकी इंपॉर्टेंस है आपने इसको रीड कर लेना, इनके नर्वस सिस्टम वगैरह। यहाँ तक क्या उसका फैलम नाइडेरिया खत्म हो जाता है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, मैं कहता हूँ जब आप फाइलम नाइडेरिया की बात करते हैं इन्हें हम स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, इंटायरली एक्वाटिक है, दे आर सॉल्युबली प्रेजेंट विद इन द वाटर,
वाटर में दो टाइप्स होती हैं, मरीन है और फ्रेश वाटर है। जब आप मरीन की बात करते हैं, दे आर मेनली मरीन एंड फ्यू फाउंड इन फ्रेश वाटर, और चंद एक ऐसे फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मोस्ट स्पीशीज आर सेसाइल, मोस्ट स्पीशीज आर सेसाइल मीन वो मूव नहीं करते। एग्जाम्पल उसकी क्या, हाइड्रा। नेक्स्ट क्या, अदर आर फ्री लिविंग एंड मोटाइल। एग्जाम्पल उसकी क्या, जेलीफिश। एग्जाम्पल उसकी क्या, जेलीफिश है। और बाद एक कलोनियल है, कलोनियल की मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, जो बिली है ये कलोनियल की एग्जाम्पल बनी हुई थी। यहाँ पे हम कहते हैं रेंज इन साइज, वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर 2 मीटर तक हो सकते हैं। सिमेट्री की मैं बात कर चुका हूँ, सिमेट्री की टाइप्स भी बता चुका हूँ, 2 टाइप्स हैं, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। इनमें कौन सी है, रेडियल सिमेट्री। फिर बेटा डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। उनके दरमियान प्रोटीन क्या लेयर है, दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया। मेसोग्लिया का आपने दूसरा नाम बताना है। अच्छा, और मैंने आपसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा था, हम ट्रिपल ब्लास्टिंग, अगर हम ट्रिपल ब्लास्टिंग है, हमारे अंदर मेच्योर फॉर्म में एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, हमारे अंदर कौन से ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्टोडर्म से बनते हैं, कौन से ऐसे हैं जो मेसोडर्म से बनते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो एंडोडर्म से बनते हैं। स्पेसिफिक सिस्टम्स नहीं है, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफ्यूजन वगैरह सिंपल से, इसमें ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन वगैरह। और एक्सक्रीशन के मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। मैं कहता हूँ बायोलॉजिकली अगर मैं बात बोलूँ, हम कहते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। और नर्वस सिस्टम वगैरह, कोरलीज की बात कर चुका हूँ, जो एनिमल्स हैं उन्हें हम कोरल्स कहेंगे, और उनकी जो डेड बॉडीज का हीप होंगे उन्हें हम कोरल रीफ्स होंगे। और कोरल रीफ्स का फायदा क्या होता है, ये हम क्या कहते हैं उत्तर क्या हो सकते हैं, श्योर लाइन्स होते हैं, उनको इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। और मैंने ये भी कह दिया था कि जो क्या कहते हैं इस फाइलम नाइडेरिए के जो कुछ ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट ज्वेलरी वगैरह में, एक्वेरिया वगैरह बनाने में क्या हो सकते हैं, यूटिलाइज होते हैं। हमारा यहाँ तक ये क्या हो सकता है फाइलम है। नेक्स्ट फाइलम में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या हो सकते हैं, 1 फाइलम इन 1 लेक्चर करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।